क्वेश्चन रोल कोई तो पूछेगा क्वेश्चन, कौन पूछ रहा है? सबसे पहले फिल्म का मुहूर्त है, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुझसे या भैया से? सर फिल्म का मुहूर्त होता है तो मुहूर्त इसीलिए किया जाता है कि सब काम अच्छे हों, ईश्वर मेहरबान हो, दोस्तों की दुआएं हों और कामयाबी मिले। शिवम तिवारी की दूसरी फिल्म और आप आए हैं, क्या शुभकामना देंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? शिवम तिवारी बहुत हैंडसम लड़का है, जिंदगी की अभी शुरुआत है, बहुत लंबा जाएगा। अगर पैर जमीन पर रहेंगे सिर आसमान को छुएगा तो, और जिस दिन पैर जमीन से उठे उस दिन आप सबको मालूम है कि क्या जमीन पे आ जाता है। सर बात की जाए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, जो पहले फिल्म बनती थी और अब फिल्में बन रही हैं, क्या कहेंगे, कितना डिफरेंस आप समझते हैं? फिल्में होती हैं दोस्त, पहले क्या और बाद में क्या, टाइम के साथ सब चीज़ टेक्निकलिटीज इतनी चेंज हो जाती हैं कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं बाप का रोल करता हूं, अब ये बाप का रोल थोड़ी करेगा। सो दिस इज लाइक दैट ओल्ड, जो पहले फिल्में जो बनती थी वो पितामह हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने बनाया, उन्होंने बहुत श्रद्धा से बनाया। अब नया जो दौर है वो हाईफाई दौर है, कंप्यूटर का युग है। 10 आदमी लीजिए, 100 आदमी दिखा दीजिए। पहले 100 आदमी दिखाए जाते थे तो 100 आदमी होते थे, तो ये फर्क है। और ठीक है, टेक्निकलिटीज बढ़ती हैं तो बहुत कुछ बढ़ता है, कुछ अच्छा ही होता है या कुछ बुरा होता है। सर, आप भी इस फिल्म में किसी किरदार में नजर आएंगे? जरूर। आई डोंट नो, नहीं मैं कह रहा हूँ कि भैया का आशीर्वाद इस फिल्म में रहेगा और भैया हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसके मारब में जरूर काम करें। मेरे लायक कोई रोल होगा तो जरूर, रोल होगा तो फिर इसके बाप का ही होगा। ओना पौना तो बेटा नहीं हो सकता मेरा। शिवम जी आप क्या कहेंगे सर के साथ, आप जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो? मेरा अहोभाग्य होगा क्योंकि सर को मैं बचपन से देखता आया हूँ मैं, और मैं सर के साथ काम करूँगा, ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं सर के साथ खड़ा रहूँगा। वही बात मैं भी कहूँगा, क्योंकि इंसान की सीखने की सीमा कभी नहीं होती। कुछ ये मुझसे सीखेगा, कुछ मैं इससे सीखूंगा, इट इज़ रेसिप्रोकल। और कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर अकेला काम नहीं कर सकता है। अगर मेरा और मेरे एक्टर का ट्यूनिंग अच्छा नहीं है तो सीन कभी अच्छा नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसीलिए बड़े बड़े स्टार के साथ जो सो कॉल्ड छोटे रोल हैं उनमें अच्छे एक्टर क्यों लिए जाते हैं? ताकि बड़ा अच्छा, बड़ा एक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनको रिस्पांस बराबर मिलेगा। तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट। बात की जाए किरदार को, तो किस तरह से किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में एक्चुअली ये कैरेक्टर एक कॉप का है, एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, और बट सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम इतनी वहाँ की खराब हो चुकी है तो इसको एक आम नागरिक बन के सिस्टम के खिलाफ ही आवाज़ उठाता है, क्योंकि कानून की हदें एक कॉप, कानून की हदों में एक कॉप बंधा हुआ रहता है, तो वो इस फिल्म में वो हदों को साइड करके एक अत्याचार और डॉन माफियाओं के खिलाफ ये आवाज़ उठाता है घुस के मरब की। जैसे कि आज आमतौर जो फिल्में बनती हैं फैमिली ड्रामा या रोमांटिक फिल्में बहुत बेस